तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार, काफ़ी बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है डीडी फ्रूट्स ग्राहकों के लिए। यदि आप एमपीजी टू बॉक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। 50वीं ऑक्शन का यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है और जल्दी आप सभी की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी होने वाली है और आपको यहाँ पर नए नए चैनल देखने को मिल सकते हैं एमपीजी टू बॉक्स में। तो यार, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बाजू में दिख रहा होगा बेल आइकन उसको दबा लो ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करें तो आपको का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है प्रसार भारती की तरफ से, जो उनके सीईओ हैं उनकी तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है ड्यूटी फ्रीडेस पर, जो सभी लोगों को इंतजार था कि 50वीं ऑक्शन कब होने वाला है। काफी दिनों से यहाँ पे ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि यार, जो एमपीजी टू बॉक्स के लिए 50वीं ऑक्शन की नीलामी कब से की जाएगी ड्यूटी फ्रीडेस ग्राहकों के लिए। तो वहीं पर अब प्रसार भारती ने इस पर विचार विमर्श करके यहाँ पे 50वीं ऑक्शन नीलामी का यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक ई ऑक्शन स्टार्ट नहीं करता है प्रसार भारती, तब तक हमको यहाँ पे नए चैनल देखने को नहीं मिलते हैं डीडी फ्रीडेस में। तो फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है और प्रसार भारती ने विचार किया है और अब यहाँ पे उसने 50वीं ऑक्शन का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग प्रसार भारती द्वारा जारी यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट है यहाँ पर 14/12/2020 में ये पब्लिश किया गया है ये नोटिस। और सिंपली दोस्तों, आज हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 50वीं ऑक्शन आवंटन के लिए यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है प्रसार भारती की तरफ से। एमपीजी टू खाली स्लॉटों को भरने के लिए यहाँ पे ये ई ऑक्शन कराया जा रहा है प्रसार भारती की तरफ से। और मैं बता दूं कि जो ई ऑक्शन स्टार्ट कराया जाएगा 21 दिसंबर 2020 से 50वीं ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो चैनल मिलने वाले हैं वो यहाँ पे हमको 29 दिसंबर से लेकर दोस्तों 31/2021 तक यहाँ पे हमारे बीच ये चैनल बने रहेंगे। और बात करते हैं एमपीजी टू स्लॉट में, ये जो चैनल हैं वो यहाँ पे 29 दिसंबर से ऐड कर दिए जाएंगे और ये जो एक साल तक के लिए हमारे बीच यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ पे आप इस नोटिस को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि यार एमपीजी टू स्लॉट के लिए ये ऑक्शन कराया जा रहा है। यदि आप लोग इस नोटिस को यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो प्रसार भारती इसको यहाँ पे 48वां ऑक्शन गिर रही है और हमारे हिसाब से ये 50वां ऑक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, इसका रीज़न तो हम लोगों को नहीं पता है कि प्रसार भारती इसको 48वां ऑक्शन क्यों गिन रही है। तो वहीं पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से चैनल इस ई ऑक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ जी ग्रुप के यहाँ पे चैनल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया है पहले ही वीडियो में। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पे वॉच कर लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा। और वहीं पर जो 50वीं ऑक्शन है दोस्तों, इसमें कुछ नए चैनल यहाँ पर भाग ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है उस वीडियो में। पहले बात करते हैं हम दोस्तों एक चैनल की, जो कि यहाँ पर लॉन्च होने के लिए 48वीं ऑक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था, बट दोस्तों ये चैनल यहाँ पर स्लॉट नहीं जीत पाया था। उसका नाम है यहाँ पे सत्या टीवी, जो कि एक मूवीज़ का चैनल रहने वाला है। तो ये चैनल इस बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करके स्लॉट हासिल कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे चैनल को लेकर, जिसका नाम है वीफ्लेक्स मूवीज़। तो ये चैनल यहाँ पे मूवीज़ का चैनल है, तो ये चैनल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले न्यू चैनल को लेकर, जो कि यहाँ पर पेन कंपनी द्वारा इस चैनल को यहाँ पर लॉन्च कराया जा रहा है। तो इस चैनल का नाम यहाँ पर निकल के आता है पेन मूवीज़, जो कि एक हिंदी मूवीज़ का चैनल रहने वाला है। तो ये चैनल भी यहाँ पे डीडी फ्रीडेस के एमपीजी टू बॉक्स में यहाँ पे ऐड। तो गाइस, जितने भी मैंने आपको जो चैनल बताए हैं वो सारे यहाँ पे मूवीज़ के चैनल थे, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी एमपीजी टू बॉक्स में यहाँ पे मूवीज़ के चैनलों को लेकर काफ़ी सारा यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गोल्ड माइंस चैनल है, जो कि यहाँ पर साउथ की काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हमारे बीच यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, तो काफ़ी ख़तरनाक ये चैनल निकल के आ जाता है। तो इसी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ लगी हुई हैं अपने चैनल को लॉन्च करने में। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन से चैनल यहाँ पे 50वीं ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारे बीच यहाँ पे ऐड होना चाहिए डीडी फ्रीडेस पर? तो यार, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यार, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिल सके।